क्या करें, एक तो ये सूक्ष्म व्यायाम ये हुआ, सूक्ष्म व्यायाम हाथों के पैरों के पूरे बता देते हैं, फिर इसके लिए आसन बताएंगे और औषध हम यहाँ पर पीडानिल देते हैं, पीडानिल गोल्ड और ऑर्थोगी। वैसे तो हल्दी मेथी सौंठ घर में पाउडर करके ले सकते हैं, उसमें अश्वगंधा और सुरंजान मीठी मिला सकते हैं, वातारी चूर्ण भी हम देते हैं। खाली मेथी का पानी पीने से, गिलोय तो त्रिदोष नाशक है, उसके लेने से भी रोग ठीक होते हैं। और साथ ही साथ गिलोय की गोली, चंद्रप्रभावटी, अश्वशिला, त्रयोदशांग, लाक्षादि, कैशोरिया, गोक्षरादि, गुगुल, जैसी जिसकी आवश्यकता होती है कोई गूगल देते हैं। ये सब औषधियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है घरेलू उपाय। सुबह खाली पेट लहसुन खा ले और ये मेथी, लहसुन की 3 से 5 कली खिला देते और ये मेथी भिगोई हुई और गिलोय पिला देते। इसी से ये पारिजात, हार श्रृंगार, निर्गुंडी के पत्ते, इनका रस पिला देते, इसलिए हमने पौधे रखे हुए आज। ऐसे ये करें, थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर लें, सूक्ष्म व्यायाम कर लें, प्राणायाम कर लें, तो ये वात रोग जिसकी पूरी दुनिया में कोई दवाई नहीं है, कहने को ये वात रोग है कि आर ए फैक्टर बढ़ गया, ESR बढ़ गया, यूरिक एसिड बढ़ गया, ESO पॉजिटिव आ गया है, लेकिन इसकी पूरी मॉडर्न मेडिकल साइंस से कोई दवाई नहीं है। किलर बाद में स्टीराइड देते हैं और ज़्यादा बढ़ जाता है, जो एंटी कैंसरस दवाइयाँ हैं, और बाद में तो इसको हड्डियों की बीमारी को कहते हैं, तो हड्डियों की ऑटोमेट डिजीज हो गई। ऐसे फिर ये कर, ये सूक्ष्म है, ये वात रोग 100% अच्छा हो जाता है आयुर्वेद से। एलोपैथी में पेन किलर, स्टीराइड और फिर एंटी कैंसरस, वो दवाइयाँ जो क्यूमो में देते हैं वो स्टार्ट कर देते हैं, बहुत खतरनाक दौर से गुजरना पड़ता है व्यक्ति को। और हम यहाँ योगा ग्राम में पिछले 4 महीनों में ऐसे लोगों को दिखा चुके हैं जिनके अंग टेढ़े मेढ़े थे, दोनों हाथ, अब दोनों पैरों को मोड़ लेते हैं तो बटरफ्लाई से, फिर आगे सूक्ष्म है, जिनके अंग टेढ़े मेढ़े थे हमने उनको ठीक कर दिया, सीधा कर दिया। वात रोग, दही छाछ नींबू अचार टमाटर खटाई ना खाएं। अभी हमने बहुत अनुसंधान करके पीडानिल गोल्ड खाली पेट 2-2 गोली और ऑर्थोगिट खाने के बाद, ये 100 से ज़्यादा वात नाशक औषधियाँ, उनका कंपोजिशन हमने 2 ही औषधियों में समाहित कर दिया है। और कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम इतना ही करें, इसी से भी वात रोग 100% अच्छे हो जाते हैं। बड़ी बात है, मॉडर्न मेडिकल साइंस में कहा जाता है एक बार आर ए फैक्टर पॉजिटिव आ गया तो नेगेटिव नहीं आएगा। देखो अब सूक्ष्म व्यायाम पूरा करके फिर आगे हम आसनों की तरफ बढ़ेंगे, फिर हम अस्थमा के ऊपर जाएंगे, वात के बाद कफ रोगों पर जाएंगे, फिर पित्त रोगों पर जाएंगे और बताएंगे कि कैसे ये एक एक बीमारी हम कंट्रोल ही नहीं, क्योर कर सकते हैं। तो आपको मॉडर्न मेडिकल साइंस की अवधारणाएं बता रहा था मैं, वो कहते हैं आर ए फैक्टर एक बार पॉजिटिव आ गया तो नेगेटिव नहीं आता है, एक बात। दूसरी बात, वो कहते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ने की आपकी बॉडी में टेंडेंसी आ गई तो वो वापस नेगेटिव नहीं आता। हम कहते हैं गोखरू का पानी पी लो, दशमूल क्वाथ पी लो, दशमूल क्वाथ और गोखरू का पानी पीने से 100% जो है आपका ये यूरिक एसिड नॉर्मल आ जाता है, जिसको गाउट कहते हैं लोग। ऐसे ही दूसरा कफ रोगों में लोग कहते हैं एक बार अस्थमा हुआ तो दमा तो दम के साथ ही जाएगा, हम उसको स्वासारी, लक्ष्मीलास, संजीवनी, त्रिकुटू, सेतुपलादि, ये सब औषधियाँ देते थे। अभी हमने सब औषधियों का स्वासारी, त्रिकुटू, सेतुपलादि, अभ्रक, स्वर्ण, वसंत, मालती, ये सब मिला करके एक स्वासारी गोल्ड बना दिया। सुबह शाम 2-2 गोली खिला देते, दूध में हल्दी, सिराजी, च्यवनप्राश। हाँ, परहेज इसमें दोनों में जरूरी है, वात रोगों में भी दही छाछ नींबू अचार टमाटर खटाई का परहेज जरूरी है, बिल्कुल भी नहीं खाना, एक बूंद भी नहीं जाना चाहिए। ऐसे कफ रोगों में भी एक बूंद भी घी नहीं अंदर जाना चाहिए, ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, आइसक्रीम आदि जंक फूड, फास्ट फूड से बचना पड़ेगा। और जैसे काढ़ा बता रहे थे हम वात रोगों में, दशमूल का, गिलोय का, निर्गुंडी का, पारिजात का, ऐसे ही कफ रोगों में हम दिव्य पेय पिलाते हैं, आज वो पिलाएंगे हम, और उसका इतना जबर पानी की जगह वही पीना दिन भर, और हम 100% अस्थमा मिटा देते हैं लोगों का, 100% अस्थमा क्यों,
जो हमारे 7 करोड़ के लगभग फेफड़ों के अल्वोलाई जो है वो 100% एक्टिव हो जाते हैं, और कितने रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक हो, जितने लोगों की हार्ट अटैक से मौत होती है उससे ज़्यादा रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेलियर से मौत होती है। हम लोगों का इनहेलर छुड़ा देते हैं, यहाँ तक कि इनहेलर में लोग स्टीराइड लेने लग जाते हैं, जैसे पेन किलर से उसके बाद स्टीराइड लेते हैं, तो अस्थमा में भी लोग स्टीराइड लेते हैं, वो जो पंप लेते हैं उसमें भी हम वो बंद करवा देते हैं। और प्राणायाम जो अभी बताएंगे हम, और कुछ आसन, मुश्किल से 4 से 5 आसन और प्राणायाम, बस इतना ही कर लें तो अस्थमा भी कंट्रोल ही नहीं क्योर हो जाता है, ब्रोंकाइटिस, लंग फाइब्रोसिस, यहाँ तक कि जो है जिनके फेफड़े लोथड़े जैसे हो जाते हैं, लंग ट्रांसप्लांट के लिए बोल दिया होता है, उसको भी हमने ठीक किया है। ये हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो वात, पित्त, कफ, पित्त के लिए तो वीट ग्रास, एलोवेरा और गेहूं का जवार, ये जो 3 औषधियां हैं, यहाँ वीट ग्रास ही योग ग्राम में हम बोते भी हैं, वो भी हम सुखा करके रख लेते हैं, और ये वीट ग्रास, एलोवेरा और लौकी, ये 3 चीज़ें जो पी लेगा उसको एसिडिटी तो पहले ही दिन से कंट्रोल, ये पूरी दुनिया में भी इस्टेब्लिश्ड सत्य अब तो